गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग 9th क्लास हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है कोशिका भित्ति मतलब सेल वाल पतली होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वाल कैसी होती है? पतली होती है। और यूकैरियोटिक सेल की सेल वाल कैसी होती है? मोटी होती है। सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियस केंद्रक प्रारंभिक अभिविकसित होता है मतलब मैच्योर नहीं होता, इमैच्योर होता है, पूर्ण विकसित होता है, पूरी तरीके से मैच्योर होता है। ठीक है, केंद्रक कला मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, न्यूक्लियस के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है मेम्ब्रेन वो इसमें प्रेजेंट नहीं होती। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है केंद्रिक अनुपस्थित होता है, केंद्रिक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और न्यूक्लियोलस है ना, और इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है, गुणसूत्र नेक्स्ट है, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स केवल डीएनए की बनी एक झिल्ली एक ढीली ढाली गोल संरचना होती है, और इसमें क्या है? एक से अधिक डीएनए और प्रोटीन द्वारा निर्मित संरचनाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कोशिका अंग, ठीक है, सेल ऑर्गेनिली अनुपस्थित होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और वो होता है राइबोसोम्स होते हैं, ये इसमें एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रिक्तिका वैक्यूल्स अनुपस्थित होती है, और इसमें वैक्यूल्स जो होती है वो उपस्थित होती है। राइबोसोम्स 70S प्रकार के होते हैं और इसमें 80S प्रकार के होते हैं। कोशिका द्रव्य गति प्राय अनुपस्थित होती है, बहुत ही स्पष्ट होती है, मतलब सेलुलर मोमेंट जो है साइटोप्लाज्म में जो मोमेंट होती है वो इसमें नहीं पाई जाती, और इसमें बहुत स्पेशल क्लियर तरीके से देखी जा सकती है। कशाभिका, ठीक है, फ्लैजिला जो होते हैं जो पुच्छ टाइप होते हैं, कशाभिका में सूक्ष्म तंतु होते हैं, 9+2 व्यवस्था अनुपस्थित। ठीक है, कशाभिका में सूक्ष्म नलिकाओं की 9+2 व्यवस्था उपस्थित होती है। इसका 9+2 का मतलब यह है कि 9 जो है वो एक साथ होती हैं और 2 आपस में एक साथ होते हैं, लेकिन 9 और 2 थोड़े से फासले से होते हैं, डिफरेंस से होती हैं। ओके, सूत्री विभाजन अनुपस्थित होता है, ठीक है, और इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, उदाहरण क्या है? जीवाणु, हरे नीले शैवाल आदि की कोशिकाएं, और इसमें क्या है? सभी उच्च श्रेणी के विकसित जंतु एवं पौधों की कोशिकाएं। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द न्यू टॉपिक फॉर द स्टडी ऑफ टुडे। ओके, फर्स्ट इज पादप कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो देखते हैं, कोशिका की संरचना अत्यधिक जटिल होती है मतलब कॉम्प्लिकेटेड होती है। पादप कोशिका प्लांट सेल में निम्नलिखित 3 मुख्य भाग होते हैं, ठीक है, कौन कौन से? कोशिका भित्ति, सेल वाल, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म एंड रस धानिया अथवा वैक्यूल्स, इनमें सैप भरा हुआ होता है। देखिए ये इसकी स्ट्रक्चर है, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स ये है, ठीक है, ये राइबोसोम्स है, लाइजोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म सैप है, केंद्रिका न्यूक्लियस है, हेट्रोक्रोमेटिन है, ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन है, केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक द्रव है नाभिक के अंदर जो सैप होता है वो, केंद्रक झिल्ली, कोशिका कला, ठीक है, सेल वाल, अंतःपिंडद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, और कोशिका भित्ति सेल वाल आ गई है, और मध्य पटलिका मिडिल सेप्टम, और प्लाज्मोडेस्मा और गॉल्जी बॉडी गॉल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद है राइबोसोम्स, ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स जो हैं ये राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है ये चिपकी हुई हैं, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, कोशिका रस वैक्यूलर सैप है ये, रिक्तिका वैक्यूल्स, इस्फेरोसोम, माइक्रो ट्यूब्यूल्स छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं ये वैक्यूल्स है। ओके, इसकी स्ट्रक्चर आपको बहुत शानदार तरीके से, ये क्या है? पादप कोशिका है, प्लांट सेल। इसके बाद है एक यूकैरियोटिक पादप कोशिका सामान्यतः निर्जीव कोशिका भित्ति से घिरी होती है,
जैसे पेड़ पौधों की बाहर वाली सेल होती है वो निर्जीव होती है। यह भित्ति सामान्यतः सेलुलोज नामक पदार्थ से बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति के ठीक नीचे, ठीक है, एक झिल्ली होती है, इसे जीव द्रव्य कला कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। पादप कोशिका में विभिन्न आकारों की रस धानियाँ होती हैं, ठीक है, वैक्यूल्स होती हैं, अलग अलग शेप्स की होती हैं। कोशिका भित्ति एवं रस धानियों के अतिरिक्त शेष संपूर्ण पदार्थ जीव द्रव्य कहलाते हैं। जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से बना होता है। कोशिका द्रव्य में उपचायी सक्रिय कोशिका अंग मेटाबॉलिज्म एक्टिव ऑर्गेनेली, ऐसे ऑर्गेन्स जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वे एक्टिविटीज़ कहलाती हैं जो कि कोई ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ में जिन्हें कंप्लीट करता है। और निष्क्रिय अंतर्वेशन नॉन लिविंग इंक्लूजंस पड़े रहते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कोशिका भित्ति, इट मींस सेल वॉल, ओके।